ऑलराइट, बहुत सिंपल है। हम लेंगे एक बड़ा बोल, उसमें डालेंगे एक कप पका हुआ छोटा कटा हुआ चिकन। से एक बड़े बोल में डालिए। अब इसमें हम डालेंगे मैश्ड पोटैटोस। आप चाहें तो पोटैटोस को कस भी सकते हैं। करीब एक कप आलू डाल दीजिए। अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ गरकिन, यानी कि पिकल्ड खीरे। अब इसमें एक से दो बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, एंड अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर बच्चे बड़े हैं और मिर्ची खाते हों, थोड़ा सा धनिया पाउडर करीब हाफ टी स्पून। There you go. और एक बड़ा चम्मच धनिया पत्ता। ओके, इन सबको इस बोल में डाल दीजिए और फिर अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। लेकिन मिक्स करने से पहले हम डालेंगे बाइंडिंग एजेंट, यानी कि अंडा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अगर आपको लगे कि इसका मॉइस्चर ज्यादा है और इसकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो रही है तो आप चाहें तो 2 से 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक मेरा काम 1.5 टेबलस्पून से ही हो जाएगा। ओके, अब इसे अच्छे तरह से मिक्स करके आप इनकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। छोटी या बड़ी आपके ऊपर है और जिस भी चाहे शेप में आप कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा फ्लैट रखिए, चाहे तो थोड़ा राउंडिश रखिए। अब इसे इस तरह से आप थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए और अब एक कुकी कटर की हेल्प से इसे बीचों बीच अच्छा सा गोल आकार दे दीजिए। ओके, ये बन गए हमारे 6 टिक्की। अब बनाते हैं कोरिएंडर सॉस। ओके, बहुत सिंपल है। एक छोटा सा पैन लीजिए, आप एक कप दूध पहले पैन में डाल के इसे थोड़ी देर उबलने दीजिए। फिर एक छोटे से कटोरी में आप 1 टेबलस्पून मैदा लीजिए और 1 टेबलस्पून मक्खन को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके दूध में डाल देंगे ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। दूध को हाई आंच में रख दीजिए ताकि फटाफट उबलने लगे। देखिए, इस तरह से बटर और मैदा मिल जाना चाहिए और अब इसे हम डाल देंगे उबलते हुए दूध में। अब इसमें ये डालिए और विस्क करते जाइए ताकि लम्स ना बने। ध्यान रखिए, जरा भी मैदे के गांठे नहीं रहने चाहिए क्योंकि हमें एक क्रीमी सॉस चाहिए। और अगर आपको लगता है कि गाढ़ा हो गया है तो थोड़ा सा और दूध डाल दीजिए। ओके, अब ये तैयार है। इसमें अब हम थोड़ी सीजनिंग डालेंगे। ध्यान रखिए, आपने पहले भी नमक डाला है तो हल्का सा नमक डालिए, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया क्योंकि हम बना रहे हैं धनिए का सॉस। ओके, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब अंत में हम इसमें डालेंगे हल्का सा नींबू का जूस और क्रीम, लेकिन उससे पहले हम बनाएंगे हमारे हैश केक्स। तो चलिए, इसके लिए आप लीजिए एक और पैन, उसे गरम कीजिए, 1 या 2 टीस्पून तेल डालिए। वैसे तो हम नॉनस्टिक यूज कर रहे हैं लेकिन ये हैश केक्स को अच्छे से दोनों तरफ से पकने के लिए थोड़े से तेल की जरूरत है। जैसे ही तेल थोड़ा गर्म हो जाए हम इसमें हमारे हैश केक्स डाल देंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, नाइस गोल्डन।
अब अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा तेल और डाल दीजिए ताकि वो दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाए। तब तक मेरा कोरिएंडर सॉस भी रेडी हो गया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ हल्का सा नींबू का रस, बस जस्ट अ लिटिल डैश ऑफ नींबू, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चम्मच क्रीम। ओके, तैयार है हमारा कोरिएंडर सॉस। एंड अब पैटीज भी दोनों तरफ से ऑलमोस्ट पक गए हैं। ओके, सो अब हम निकालेंगे हमारे हैश केक्स को बड़े प्यार से। ओके, सो हैश केक्स तैयार हो गए हैं। इसका जो एक्सेस तेल है उसे इस तरह से आप टिश्यू से सोक कर सकते हैं। मैंने तो कम ही तेल डाला है तो ज़्यादा एक्सेस है भी नहीं। अब इसे हम एक फ्रेश प्लेट में निकाल लेते हैं। ओके, अब धनिया की सॉस को एक दूसरे कटोरी में निकाल लेते हैं। ओके, तैयार हैं हमारे चिकन हैश केक्स विद कोरिएंडर सॉस। Food, food, it's sizzling.